हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कुछ दिनों पहले दोस्तों मैंने बाइक सिखाने के विषय में एक वीडियो बनाया था। उसी पे दो कमेंट आए हुए हैं कि भी आप बहुत अच्छे से समझाते हो, तो बाइक कैसे में और वीडियो लेके आइए भी, इसे कंट्रोल कैसे करें और किक मार के ये कैसे स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो उसी के ऊपर है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और फर्स्ट बात तो ये है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है ज़िंदगी में। ज़रूरत होती है कि आपको खुद के ऊपर कितना भरोसा है। अगर आपको अपने आप ऊपर भरोसा है तो आप कोई भी काम बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हो। तो बाइक तो क्या चीज़ है, और बाइक को कंट्रोल करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ही आसान है। अगर आप सोचते हो आप दुबले पतले हो, बाइक नहीं चला सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कई बार लड़कियां सोचती है, अभी लड़के तो ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं तो वो किसी भी काम को इजीली कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। लड़कियां भी हर एक काम को बहुत ही आसानी से कर सकती है, चाहे बस उनका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया था बाइक कैसे चलाई जाती है और कैसे स्टार्ट की जाती है। उसमें मैं इसके कुछ फंक्शन आपको बताना भूल गई थी, एक बार स्टार्टिंग से आपको बता देती हूँ इसका सिस्टम क्या है। सबसे पहले ये देखिए, ये होती है आपकी चाबी जहाँ पर लगाई जाती है। इसको ऐसे करेंगे ना, ये लॉक हो जाएगी आपकी बाइक, ये लॉक हो गई। अब इसको स्टार्ट करने के लिए ये हमने बिल्कुल सीधी स्टार्ट कर दी चाबी, और ये यहाँ से आपका सेल्फ स्टार्ट होता है बाइक। और ये है आपका क्लच, और ये आपका हैंड ब्रेक, और ये है आपका पाम से लगाने वाला ब्रेक, ये देखिए यहाँ से है। और जब भी आप बाइक को स्टार्ट करें, आपका बाइक यहाँ पर एन का साइन होना चाहिए। इसका मीन होता है बाइक नूडल में है, और इसमें कोई गियर नहीं है। आपको पता कैसे चलेगा इसमें गियर लगा हुआ है? जब आप बाइक को ऐसे आगे सरकाओगे ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सरकेगा, और अगर ये गियर में होगा ना तो ये सरकेगा नहीं, ठीक है? ये देखिए, मान लीजिए आपका बाइक गियर में है, तो आपको पता कैसे चलेगा? जब आप इसको आगे सरकाओगे ना, ऐसे ये हल्का नहीं होगा, बिल्कुल भारी लगेगा आपको। और गियर निकालना है कैसे, क्लच को दबा के यहाँ पीछे से देखिए, ये जो ये वाली चीज़ होती है ना, इससे गियर निकलता है। इसको ऐसे मारिए एड़ी से ऐसे, और ये आगे वाली से इससे गियर हम चेंज करते हैं, इससे गियर बढ़ाते हैं और इससे निकालते हैं ऐसे। क्लच को दबा के ऐसे ज़ोर से पीछे एड़ी मारिए, या आपका गियर निकल जाएगा। आपको पता कैसे चलेगा? आपका बाइक हल्का हो जाएगा ऐसे, देखिए जैसे ये मेरा बिल्कुल सॉफ्ट आगे पीछे हो रहा है इस तरह से। अरे गियर में है ना, तो ये सरकेगा नहीं। ये देखिए दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था सेल्फ स्टार्ट कैसे होती है बाइक, यहाँ से होती है, यहाँ से। अभी मेरा बाइक नूडल पे है, यहाँ पे एन का साइन है। सेल्फ स्टार्ट तो यहाँ से होगी, देखिए ये स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको आज बताऊंगी किक से स्टार्ट कैसे होती है। बंद कर दिया मैंने बाइक, यहाँ से देखिए किक से स्टार्ट करेंगे। रोक बेटा, रोक दिए। ये देखिए यहाँ से इसको ऐसे नीचे करके, यहाँ से इससे ये आपको किक मारनी है, थोड़ा सा जोर लगा के। देखिए यहाँ से किक मारूंगी मैं, देखिए हमारा बाइक स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से ऐसे क्लच दबा के पहला गियर, ये देखिए क्लच दबा दिया मैंने यहाँ से इसको। अब हमारा बाइक है पहले गियर में। अब आपको करना क्या है, इसको आराम आराम से छोड़ना है क्लच को, और हल्की हल्की रेस देनी है, बिल्कुल हल्की हल्की, नहीं तो ये झटके से बंद हो जाएगा आपका बाइक। देखिए इसको आराम आराम से, आराम आराम से छोड़िएगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको पूरा सिस्टम समझा दिया है इसका, लेकिन जो इसके मेन चीज़ है ना, इसका ब्रेक ये नहीं बताया मैंने आपको। ये तो आपका है क्लच, और ये है आपका ब्रेक। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आपका बाइक ज़्यादा स्पीड में हो ना, तो आप ये जो हैंड ब्रेक होता है ना, सिर्फ इसे मत दबाइएगा। बाइक झटके से रुकेगा और आपको चोट भी लग सकती है, गिर भी सकते हो आप। कभी भी बाइक ज़्यादा स्पीड हो ना, क्लच और ये हैंड ब्रेक और जो आपका ये पाम वाला ब्रेक है ना, ये साथ में दबाइएगा। इससे क्या है, आपका बाइक बिल्कुल ही सॉफ्टली रुक जाएगा, झटका नहीं लगेगा। और अगर आपका बाइक स्लो हो, कम हो इसकी स्पीड, तो इस ब्रेक से कम चल सकता है। चलना हो आपकी बाइक के चार गियर होते हैं, इसको दबाइए क्लच को, और आगे से ऐसे यहाँ से गियर चेंज कीजिए, और यहाँ से निकालिए,
और बाइक को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है, पहले आप इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे पीछे घर में जहाँ पर भी जगह हो ले जाके देखिए, जिससे आपको ये हल्का लगने लगेगा। इसमें मोटे पतले का कोई भी डर नहीं होता, अभी आप पतले हो आप चला नहीं सकोगे बाइक, ऐसी कोई बात नहीं होती दोस्तों। कोई भी साधन बिल्कुल चलने के बाद हल्का ही महसूस होता है। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।